दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी बिग न्यूज़। बिल्कुल अगर देखा जाए यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कुछ अपडेट्स आ रही है, उस अपडेट को हम साझा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह अपडेट्स आपके लिए बेहतर साबित होगी। देख पा रहे हैं चर्चा का विषय है वीडियो री एग्ज़ाम डेट की, लगातार आप सभी की मांगे हैं और आप सभी को पता भी है कि जिस वीडियो भर्ती की हम बात कर रहे हैं, यह वीडियो भर्ती आपकी 2018 से आज तक बड़ी चली आ रही है। अगर हम बात करें इस भर्ती में तो बड़े स्तर से फ्रॉड हुआ, बाद में चलकर हुआ क्या कि यह भर्ती परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी गई। तब से प्रत्येक विद्यार्थी के मन में इस भर्ती परीक्षा में लगभग 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए थे। ऐसे में हर विद्यार्थी के एक ही मांगे हैं कि वीडियो का री एग्जाम कराया जाए, लेकिन अभी भी आयोग कुछ सुधि नहीं ले रहा है। तो उसके संदर्भ में क्या कुछ कैसे हैं आगे हम चर्चा करेंगे। नीचे देख पा रहे हैं एक और मुद्दा, लेखपाल रिजल्ट बिग अपडेट्स, ठीक है, लेखपाल रिजल्ट पर भी चर्चा करेंगे। और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं यूपीएसआई नियुक्ति लेखपाल कट ऑफ में होगा फेरबदल। यह चीजें प्रबल सत्य है। आप सभी को पता है कि यूपीएसआई 9534 का जो मामला है अब वह पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया है। और अब हम बात करें इस लेखपाल भर्ती में तो इसके कट ऑफ में बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिलेगा। आर या पार का फैसला, यह क्या कुछ कैसे है एक अपडेट हम आपके बीच में दिखाना चाहेंगे। जो वीडियो री एग्जाम और जो है लेखपाल रिजल्ट को उसमें क्या कुछ कैसे कहा जा रहा है। देखिए आपके बीच में सबसे पहली चीज लगी है कि 28 फरवरी को यूपी ट्रिपल एससी कार्यालय विभूति खंड लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन है। आयोग वीडियो री एग्जाम डेट क्लियर करे, पहली मांगे आपके हैं। सभी लोग धरने में शामिल होने का कष्ट करें। कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए नंबरों पर आप संपर्क करें, नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है। भैया अगर आपको समस्या हो रही तो बिल्कुल इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के द्वारा भेजा गया कि भैया आप भी एक इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मजबूरन आपके सहयोग के हम बिल्कुल आकांक्षी रहते हैं। कहाँ से हमें आपका सहयोग मिले, ठीक है, तो हम आपके सहयोग में यह वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक चीज यहां देख पा रहे हैं, यहां भी वही चीजें जरूरी सूचना 28 फरवरी यूपी ट्रिपल एससी आयोग चलो वीडियो री एग्जाम डेट घोषित करने के लिए। और यहां देखिए स्थान आपके बीच में दिया जा रहा है, पिकअप भवन यूपी ट्रिपल एससी आयोग, सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है इस यूपी ट्रिपल एससी आयोग में, ठीक है। अच्छा यहां क्या कुछ कैसे आगे हम आपसे चर्चा करते, आपने इन सारी चीज़ों को देखा, यहाँ स्पष्ट तौर पर आपसे कहा जा रहा है कल की डेट में 28 फरवरी के दिन जो है आप सभी को यूपी ट्रिपल एससी आयोग पहुँचना है और आपकी वीडियो री एग्ज़ाम डेट घोषित कराना है और लेखपाल रिजल्ट आपका कब घोषित किया जाएगा यह भी कहीं ना कहीं आपको क्लियर कराना है। तो बिल्कुल जितने अभ्यर्थी हैं, चाहे आपने वीडियो का एग्ज़ाम दिया है और आप वीडियो के अभ्यर्थी हैं और उसी में कुछ होंगे जो इन दोनों के अभ्यर्थी रहे होंगे, ठीक है, तो आप दोनों को कल सुबह 10 बजे बिल्कुल पहुंच जाना है, ठीक है। हम सभी आपके सहयोग के आकांक्षी, वहां हम लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ। आप सभी को सारे के सारे मैटर जो भी वहां कुछ किया जाएगा आपके लिए बिल्कुल लाइव दिखाया जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां चीजें लिखी जा रही हैं यूपीएसआई नियुक्ति, ठीक है, यह चीजें सत्य है। कुछ अभ्यर्थी रहे होंगे जो यूपीएसआई के लेखपाल में भी रहे होंगे, ठीक है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन है कि अगर आपका यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया है तो आप लेखपाल में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत कराइएगा, ठीक है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि किसी और का हक आप मत छीनिए। आपका एक जगह हो गया है तो बाबू आप वहीं पड़े रहिए, ठीक है। अगर हाँ ये है कि अगर आपको यूपीएसआई में नहीं सिलेक्शन लेना है तो आप लेखपाल का इंतजार करिए, लेकिन दोनों जगहों किसी एक को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं और यहां जो लोग छोड़ देंगे कहीं ना कहीं लेखपाल में जो उनका एक हिस्सा है उसे कट ऑफ में अगर देखा जाए तो कट ऑफ में बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां 28 फरवरी यानी कल की डेट में आर या पार का फैसला है, बिल्कुल आप शालीनता से पेश आएंगे। फिलहाल के लिए जो भी जैसा होगा आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। 28 फरवरी आप याद रखिएगा, आर या पार की लड़ाई है, ठीक है। वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।